बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब कैरियस होंगे। फ्रेंड फ्रेंड, आज मैं आपको दिखाऊंगी मेरा रूम जो है। तो मैंने बोला कि चलो, मैंने इतनी वीडियोस बना ली हैं तो मेरा रूम देखने को हमेशा आधा ही मिलता है। तो आज मैंने सोचा कि आज मैं बनाऊँगी अपना रूम जो है। तो आज मैं आप सबको अपना रूम जो है दिखाऊँगी, तो देखते हैं। देखो सो मेरा रूम जो है। सो गाइज, ये है मेरा बाहर का डोर, मेरे रूम का डोर। तो चलो इसको ओपन करते हैं, रूम चूहे दिखाते हैं आप लोगों को। सो गाइज, दिस इज़ माई क्यूट रूम चूहे। तो चलो दिखाते हैं आपको इसकी एक एक चीज़। तो गाइज, सबसे पहले आप एंटर होते हैं, आपको एक दिखता है बोर्ड जिधर मेरे स्विच वगैरह लगे हुए हैं। इससे मैं सारी रूम की लाइट्स ऑन करती हूँ। मैं आपको लाइट्स भी दिखाती हूँ। सो गाइज, ये लाइट्स देख सकते हैं आप लोग। अब अंदर चलते हैं एंड यहाँ पे मेरी सारी लाइटें होती हैं। और इसके साथ ही मैंने मेरी फेवरेट एलईडी आ जाती है, मुझे बहुत क्यूट एलईडी लगती है। ये मेरी ड्रीम एलईडी है। पहले मेरे पास बहुत छोटी थी, लेकिन फिर मैंने ज़िद की एंड मेरे पापा ने फिर मेरे को ये वाली एलईडी लेके दी। आई लव दिस एलईडी। एंड ये एलईडी एक मतलब टेबल के ऊपर पड़ी हुई है। यहाँ पर मेरे थोड़े दराज अलमारियों वगैरह बने हुए हैं, जहाँ मैंने अपना स्टोरेज फुल किया हुआ है। मतलब आप लोगों को यहाँ मेरी हर जगह स्टोरेज के लिए एक एक अलमारी, एक एक चीज़ दिखेगी। मेरे रूम में स्टोरेज बहुत ज़्यादा है, देख ही सकते हो आप लोग। सो गाइस, ये इधर ये टेबल वगैरह, टिशू वगैरह रखा हुआ है। और ये स्टोरेज आप लोग अगर मुझे कमेंट बताओगे तो दीदी अलमारियाँ खोल के भी दिखाओ, तो फिर मैं वो उसकी अलग से वीडियो बनाऊँगी। ओके गाइस, तो ये एलईडी है मेरी क्यूट सी। एलईडी के साथ ही मेरे स्पीकर्स भी पड़े हुए हैं, जो देख सकते हो खड़े हुए हैं। और बूफर है ये भी बहुत अच्छी गाने चलाता है। एंड देन इसके साथ ही अब अगर आप आते हैं तो ये कंघियों वाला, मतलब वो क्या कहते हैं इसको, कंघियों वाला, कंघी रखने के लिए सेफ चीज़ें हैं यहाँ पे। ये मैं गाँव से लाई थी, मुझे गाँव में इतना अच्छा लगा था तो मैंने ये खरीद लिया था पापा को बोल के। तो ये बहुत अच्छा था लगा मुझे, इस वजह से मैंने खरीदा था। देख सकते हैं इसमें सारी स्टोरेज फुल एंड फाइनल है। और इसके साथ ही आता है मेरा वैनिटी, देख ही सकते हो आप लोग कितना क्यूट लग रहा है मेरा वैनिटी। इसको मैंने बहुत प्यारा तैयार करके रखा हुआ है, इसको रोज़ मैं डस्टिंग करती हूँ इधर से। तो ये है मेरा वैनिटी, देख सकते हो यहाँ ऊपर अल्लाह का नाम मैंने लिखा है। और तितली बैठी हुई है क्यूट सी। और अब मैं आपको इसके अंदर का सामान दिखाती हूँ, मैंने बहुत फुल फाइनल किया हुआ है गाइस। अब तो फल्ला क्या बताऊँ, देख सकते हो सारी इसमें मेरी क्रीम्स वगैरह, बेसिकली सारी चीज़ें हैं रेडी होने के लिए। और यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो है ही है, सो नीचे भी स्टोरेज है। आधा मेरे बैग्स में पड़ा हुआ मेकअप, मेरे पास माशाल्लाह मेकअप बहुत है, मुझे मेकअप करने का बहुत ज़्यादा शौक है। आई एम मेकअप क्वीन, ये कह दो तो। सो मैं मेकअप की बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ। और नीचे भी मेरा मेकअप पड़ा हुआ है, लाइक लिप बाम, लिप ग्लॉस, किट वगैरह, लोशन वगैरह मैंने फुल एंड फाइनल किया हुआ है। इसके अंदर है मेरा बालों का सामान, लाइक कह दो आप लोग हेयर, वो क्या कहते हैं स्ट्रेटनर वगैरह इसमें। और इसमें है मेरी ज्वेलरी, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो अंदर फुल एंड फाइनल स्टोरी जिसमें भी भरा पड़ा है, फुल मेरी ज्वेलरी से देख ही सकते हो। इसमें मैंने फुल ज्वेलरी रखी हुई, इधर मेरा बालों का सामान है, स्ट्रेटनर वगैरह, यहाँ मेरा मेकअप है और यहाँ पर भी मेरा मेकअप है। तो ये है मेरी क्यूट सी वैनिटी, देख सकते हो मैंने कितनी क्यूट सी सजाई हुई है। और साथ ही एक नकली प्लांट आता है जो मुझे बहुत क्यूट लगा था, मैंने ले लिया था। और इसके अंदर रोज़ नहीं दिया हुआ था तो मैंने रोज़ खुद लगाया है, देख सकते हो आप लोग। क्यूट क्यूट ही पैसा लग रहा रोज़ भाई, हम लगा सकते हैं सब कुछ। तो यहाँ मैंने प्यारा सा अपना प्लांट रखा हुआ है। और इसके साथ ही रहता है मेरा क्यूट सा सोफ़ा। ये भी जब मैंने ये वाली एलईडी ली थी, यहाँ छोटा सा सोफ़ा पड़ा हुआ था तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने बोला बाबा को, बोला बाबा मुझे बड़ा सोफ़ा चाहिए। तो दो तीन दिन के बाद मेरे सरप्राइज़ मिला, लाए मेरा सोफ़ा आ गया जी। तो इसके नीचे भी स्टोरेज मुझे दिया हुआ है, मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये ब्लैक कलर का क्यूट सा, जिसके ऊपर मम्मा ने अभी कवर सिया हुआ है क्योंकि ये गंदा ना हो जाए। एंड इसको उठाते हैं ना, नीचे स्टोरेज के डिब्बे आते हैं, उनमें भी मेरे स्टोरेज फुल है, देख सकते हो आप लोग मेरा कमाल फुल स्टोरेज। स्टोरेज की चीज़ें मैंने ली हैं तो स्टोरेज तो फुल हो ना। और ऊपर ही अल्लाह के नाम मतलब खूबसूरत लिखी हुई आ जाती है माशाल्लाह से। और ऊपर है एक क्या कहते हैं उसको, कुछ है नहीं, वो फ्लावर्स है, फ्लावर्स लगे हुए हैं। और उसी के साथ मेरे सोफे के साथ ही आ जाता है मेरा अटैच बाथरूम। मैं कहती हूँ रूम है तो है सही, लेकिन रूम में अटैच बाथरूम ज़रूर हो गर्ल्स।
अपना रूम अटैच मतलब रूम में ही अटैच बाथरूम करवाएं। मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने पापा को बोला था कि पापा वो घर लो जिधर अटैच बाथरूम है, तो अटैच बाथरूम हमने लिया। ये हमें मेरा बाथरूम है, मैट वैट से ही अंदर से क्लीन किया हुआ है। इसकी आप लोग मुझे दीजिएगा कि अपना बाथरूम टूर करवाएं तो मैं ज़रूर करवाऊँगी। ओके, देखने वाली चीज़ें। सो गाइस, इसके साथ ही आ जाता है मेरा टेबल। इसके अंदर भी स्टोरेज फुल एंड है, इसमें मैं खोल के नहीं दिखाती हूँ, दिखा भी देती हूँ क्या करूँ। इसमें है मेरी छोटी बहन के खिलौने, क्या बताऊँ मैं यार, क्या है यार, इसमें मेरी सारी छोटी बहन के खिलौने हैं जैसे कि आप लोग देख सकते हो। फुल मतलब उसके खिलौने पड़े हुए हैं जन्नतू के, ये देख सकते हो डोल वाली अलमारी है और ऊपर मैंने कुछ टेडी बियर्स रखे हुए हैं। ये टेडी बियर्स मेरे ही हैं और ये टेबल के ऊपर मैंने इस टेबल को भी प्यारा सा सजाया है। और टेबल के ऊपर जैसे आते हैं तो से गर्मियों का किंग आया एसी। ये एसी है मेरा, मतलब हमारे घर में सबका ही है। जब लाइक समर्स आते हैं तो मेरे कमरे में ही सारे सोते हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है एसी की हवा लेते से। और साथ ही उसका बटन मतलब बोर्ड लगा हुआ है, जितने बटन हम लोग लगा दें वो हमने उतारा हुआ क्योंकि अब हम चलाते ही नहीं। इसका कवर हमसे घूम गया, पता नहीं वो हम लोग शिफ्टिंग कर रहे थे एक दफ़ा ना घूम ही गया। सो ये आ जाता है एक फूलों वाला दिलदान और यहाँ पे आ जाता है मेरा फिर सजावट की हुई चीज़ें। और यही सेम आपको यहाँ देखने को भी मिलता है, यहाँ अल्लाह का नाम और यहाँ मोहम्मद का नाम है, तो यहाँ पे भी मैंने क्यूट क्यूट से वगैरह चीज़ें लगाई हुई हैं। तो ये है जी मेरे तैबू का, जो तैबू ने मुझे गिफ्ट दिया था। और ये है मेरी बेस्ट फ्रेंड ने जो मुझे गिफ्ट दिया था, लव यू सो मच। और वगैरह मेरी चीज़ें लगी हुई हैं। सो गाइस, ये आ जाता है मेरा बेड, जिधर सोना तो ज़रूर होता है, रूम में बेड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देख सकते हो मैंने कुछ टेडी बियर्स रखे हुए हैं, सेम बेडशीट बिछाई हुई है। ये मैंने कराची से लिया था ये वाला टेडी बियर, और ये मुझे मेरी छोटी बहन ने गिफ्ट दिया था। जैसे कि आपको पता है ये गिफ्ट का दुकान, गिफ्ट मुझे सारे देते हैं। और यहाँ मैंने क्यूट सी फूलों वाली बेडशीट बिछाई हुई, जैसे कि मुझे बहुत क्यूट लग रही है, बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही है। तो सही है गाइस, मेरा बेड है, आप लोग बताइएगा आप लोगों को मेरा बेड कैसा लगा। बहुत ही ज़्यादा मैंने मतलब नॉर्मली रखा हुआ है, लोग जैसे लोग टेडी बियर्स भर देते हैं वैसे मैंने नहीं भर के रखा हुआ क्योंकि सोने की भी तो जगह होनी चाहिए ना। सो मेरे बेड के साथ आ जाता है फिर अलमारी। तो सो गाइस, इसमें है मेरे कपड़े। ये है मेरी कपड़ों वाली अलमारी और उसके ऊपर मैंने कपड़ा बिछाया हुआ क्यूट सा, बहुत प्यारा सा। और इधर मैंने कुरान रखे हुए हैं, जो कुरान तो हर किसी के घर में होते हैं पढ़ने के लिए, ये अल्लाह का नाम हर जगह हाजिर हो, आमीन। तो ये है मेरी कपड़ों वाली अलमारी। एंड देन यहाँ आके होता है मेरा रूम ख़त्म। बोल के बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। ये भी आप लोग बताइएगा कि दीदी आप अपना अलमारी दिखाओ, जिधर आपके कपड़े हैं वो वाली भी टूर करवाओ। आप लोग मुझे बोलेंगे तो मैं आपको करवाऊँगी ना गाइस। सो गाइस, ये है मेरा फुल रूम, जैसे कि देख सकते हो आप लोग, ऊपर से लेके नीचे तक मैंने आपको दिखा दिया। स्टोरेज फुल था बिल्कुल ही। और गाइस, मेरे और इस रूम में सिर्फ मेरा सारा काम हुआ है, इसमें बाबा ने मुझे कीले मैंने खुद ठोकी हैं गाइस। ये मतलब मैंने अपने हाथों से ये रूम बना लिया। लाइक बेड भी मेरा फेवरेट है, सोफा भी मेरा फेवरेट है, एलईडी भी मेरी फेवरेट है, एसी वगैरह भी हमारा फेवरेट है। इस कमरे में जितनी भी चीज़ें ना लाइक हमारी फेवरेट है। और ये रूम मेरे हाथों से बना है, लोग कह रहे होंगे क्या गंदा किया हुआ ये वगैरह, ये गंदा नहीं है, ये मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है। ये मेरा रूम है जिसको मैंने बहुत 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 ज़्यादा सजावट से रखा हुआ है। ये एक मेरी चीज़ है ना, मुझे पता है कि क्या क्या करना है इसको। तो गाइज़, ये मेरी चीज़ है, प्लीज़ कोई भी इसमें मत कीजिएगा, मेरा फेवरेट रूम है गाइज़। मैंने इसको बहुत सजावट की होती है, मैं मतलब कि मैं बेडशीट भी ख़राब होने नहीं देती गाइज़, इतना बता दूँ मैं। मेरा फेवरेट रूम है गाइज़, मैं बिल्कुल भी गंदा नहीं होने देती। सो गाइज़, दिस इज़ माई रूम टू एयर।